हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदू त्योहारों पर बैन लगा दिया, बांग्लादेश की सड़कों पर मोहम्मद यूनिस की नाकामी का झलक साफ नजर आया है। लेकिन इसका प्रत्युत्तर देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं ने उसी सड़कों पर हल्ला बोला है, उसकी गूंज भारत से लेकर अमेरिका तक। लेकिन अब जिस अमेरिका के दम पर यूनिस उछल रहे थे, जिस बाइडेन के दम पर मोहम्मद यूनिस पाप का घड़ा भर रहे थे, अब वो फूट गया है। अब चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। अब मोदी की दोस्ती ने यूनिस की धुकधुकी बढ़ा दी है। अमेरिका में सरकार डोनाल्ड ट्रंप की है, वही ट्रंप जिनके मुंह से मोदी मोदी का नाम पूरी दुनिया सुन रही है। मोदी के तारीफों का पुल बांधने वाले ट्रंप साहब का मुंह नहीं थक रहा। लेकिन अब वो मोदी प्रेम में मोहम्मद यूनिस की ऐसी फजीहत करेंगे जिसकी गूंज पाकिस्तान से लेकर चीन तक सुनाई देगी। जी हां, अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी में शिकायत दर्ज हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला जा चुका है। अमित शाह ने रातों रात ऐसा खेल खेला कि बांग्लादेश में बैठे यूनिस बिलबिला उठे हैं। बांग्लादेशी निजाम का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है। जी हां, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के एक इशारे पर बांग्लादेश में हलचल बढ़ चुकी है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। आइए बताते हैं कि आखिर अमित शाह ने मोहम्मद यूनिस की कौन सी नस दबा दी है कि अब हंगामा बरपा हुआ है, और बताएंगे कि कैसे यूनिस साहब की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार होने वाली है। अब उनके साथ जो होगा उनके समर्थकों ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, राजनीतिक दलों व पुलिस कर्मियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए अवामी लीग के एक नेता ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में दरवाजा खटखटा। भारत ने बार बार और लगातार यूनिस को आंखें दिखाई। हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई उस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ बड़ी मुहिम छिड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई गई। अवामी लीग के नेता वो सिलहट के पूर्व मेयर अनवरू जज्जमा चौधरी ने अपनी शिकायत में यूनिस के अलावा उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों समेत 61 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। यही नहीं, खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के खिलाफ ऐसे और 15,000 शिकायतें दर्ज करने की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी में चल रहा है। ऐसे में यूनिस की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली है, अब उन्हें जवाब देना होगा। यही नहीं, उनका ब्लड प्रेशर तब भी बढ़ा जब बाइडेन के समर्थक यूनिस ने यह देखा कि शेख हसीना ने नई अमेरिकी सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां दी। लेकिन इसने बांग्लादेश की सियासी जमीन को गर्म कर दिया। उनकी पार्टी ने जो पत्र शेयर किया उसमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री बताया गया है, जबकि इसका जिक्र बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी किया था। यानी यूनिस साहब की गद्दी तो जाने की आशंका तो है कि, लेकिन आईसीसी में गया मामला उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। वहीं अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मोहम्मद यूनिस की जिंदगी में आग में घी डालने का काम हुआ। चूंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने साल 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर निराशा जाहिर की थी। बहरहाल अभी ये विवाद थमे भी नहीं थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से भी मोहम्मद यूनिस को टेंशन दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठिए की साजिश पर बेजोड़ हमला बोला था। फिर क्या, अगले ही दिन उन घुसपैठियों पर एजेंसी ऐसा तगड़ा एक्शन लिया कि बांग्लादेश हिल गया, यूनिस साहब की टेंशन बढ़ गई। जी हां, पड़ोसी देश बांग्लादेश किस कदर बेशर्मी की हदें पार कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। अपने आप खाने के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जहां बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए ने हद कर दी है, बांग्लादेश में उन्हें पालना मुश्किल हो रहा है, तो वो भारत की तरफ घुसपैठ करने में बेजोड़ ताकत लगा रहे हैं। मोहम्मद यूनिस की सरकार में उनके बांग्लादेशों से हर कोई परेशान है। ये लोग तारों के नीचे से भारत में दाखिल होते हैं, भारत के लोगों का हक मारने की कोशिश करते हैं, रोजगार छीन लेते हैं। यही नहीं, यहां के लोगों को फंसाकर शादी कर लेते हैं और भारत पर हक जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बीते दिनों झारखंड चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे अमित शाह ने फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की प्रदेश में मौजूदगी का मुद्दा उठाया था।
जिसके बाद आज एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जमकर एक्शन ले लिया। मामले में झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रवर्तन निदेशालय ने घुसपैठियों को लंबा नाप दिया है। हाँ, अमित शाह ने एक दिन पहले कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी भारतीयों की नौकरी हड़प रहे हैं, ये झारखंड की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है तो फिर ये कहां जा रही हैं? ये नौकरियां बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी जा रही है। झारखंड की जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बता दें कि अगले ही दिन प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुल 17 लोकेशन पर ईडी ने ऑपरेशन चला दिया। यानी रातों रात एजेंसी ने सारा प्लान सेट कर लिया कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की कमर कैसे तोड़नी। बता दें कि यहां झारखंड में होने वाले पहले चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले यहां कार्रवाई की गई है। बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस फिलहाल इस खबर के बाद बौखला चुके हैं। आपको याद दिला दें कि एक महीना पहले भी अमित शाह झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने उस दौरान भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साजिश पर उंगली उठाई थी। फिर क्या अमित शाह के चुनावी रैली के इस भाषण के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत ही बांग्लादेश की नई मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार की तरफ से भी इस पर बयान जारी कर दिया गया। तब भारतीय राजदूत को तलब कर बौखलाए बांग्लादेशी ने इस पर आपत्ति जताई। बहरहाल ईडी की ताजा कार्रवाई से केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा तो वहीं बांग्लादेश को इसकी जगह बता दी। घुसपैठ जैसी बड़ी साजिश करने वाले बांग्लादेश को सरेआम नकाब उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक इसी साल 6 जून को रांची स्थित बरियातू थाने में बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े केस में एक FIR दर्ज की गई थी। उसी केस की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में भी छापेमारी की सूचना। यानी कुल मिलाकर फिलहाल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बंगाल से लेकर झारखंड तक पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के दफ्तर में अफरा तफरी है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जैसे ही उन्हें अकेले खड़ा कर दिया, उसके बाद उनके हितैषी भागे भागे फिर रहे हैं। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।